हेलो स्टूडेंट, रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर टांडा अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 12 नागरिक शास्त्र जो कि कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि सार्क के बारे में, सार्क के अध्ययन के बारे में हमने अध्ययन किया कि सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो उसमें हमने बताया था कि सार्क में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं, 8 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें 8वां सदस्य देश जो था आपका अफगानिस्तान था, वो 2007 में शामिल हुआ था। इससे पहले सार्क की स्थापना के समय सार्क में कितने सदस्य देश शामिल थे, 7 सदस्य देश शामिल थे। तो इस तरह से हमने सार्क के बारे में देखा। और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका यानी कि इन 8 सदस्य देशों में सार्क की क्या भूमिका रही या अन्य संगठनों के साथ साथ सार्क का क्या सामंजस्य रहा। एक चीज़ और, सार्क को दक्षेस के नाम से, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के नाम से भी जाना जाता है, वही सार्क है। यानी कि सार्क को दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। आज हम देखेंगे, एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। उस नए चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगले चैप्टर से हम इस शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जब हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आखिर में होता क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा संगठन जिसमें विभिन्न देशों का सामंजस्य हो, कोई कार्य मिलकर करने के लिए विभिन्न देश इकट्ठा हुए हैं और कोई संगठन बनाए हों, वही अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। यानी कि कई देश मिलकर किसी कार्य को या सहयोग की भावना से करते हों तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। और इसे यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों हुई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के लिए हम निम्न तीन बिंदुओं के माध्यम से हम उनकी आवश्यकता के बारे में जान सकते हैं। हमने इसमें पहला बिंदु दिख रहा है आप लोगों को, पहला बिंदु दिया है शांतिपूर्ण समाधान के लिए। शांतिपूर्ण समाधान के लिए अब इसका क्या आशय है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। दूसरा हमने देखा मिलकर कार्य करने के लिए, दूसरा बिंदु हमने देखा मिलकर कार्य करने के लिए, यानी कि विभिन्न देशों को मिलकर कार्य करने की सहायता करने के लिए हमें इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। अगला हमने देखा सहयोग करने के उपाय के लिए, सहयोग करने के उपाय के लिए इसका क्या आशय है, सहयोग करने के उपाय एवं सूचनाएं जुटाने में सहायता करना ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो इसमें हमने तीन बिंदुओं के बारे में, केवल बिंदु के बारे में हमने अध्ययन किया। पहले हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से आपसी, यदि एक राष्ट्र और दूसरा राष्ट्र, दो राष्ट्र या दो से अधिक राष्ट्र आपसी कोई संगठन या समझौता करते हैं, कोई संगठन बनाते हैं या कोई नीतियां करते हैं या कुछ मिलकर कार्य करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। कोई नीति बनाते हैं, कोई समझौता करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है, जिसे यूएनओ के नाम से जाना जाता है, जिसे किसके नाम से, यूएनओ के नाम से जाना जाता है। आगे हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता किस लिए पड़ी, क्यों आवश्यक है हमारे लिए, तो क्यों आवश्यक है, शांतिपूर्ण समाधान के लिए। शांतिपूर्ण यानी कि एक दूसरे देशों में जो आपसी विवाद लंबे समय से चल रहा है उसको शांतिपूर्ण समाधान किया जाना चाहिए, और वो किसके माध्यम से हो सकता है, इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से हो सकता है। अगला हमने देखा कि मिलकर कार्य करने के लिए,
मिलकर कार्य करने के लिए किन कि विभिन्न देश जो हैं, विभिन्न राष्ट्र जो हैं, वो क्या करते हैं, चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान में विभिन्न देशों को मिलकर कार्य करने में सहायता करना, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का परम आवश्यक बिंदु है। अगला हम देखते हैं सहयोग करने के उपाय एवं सूचनाएं जुटाने में सहायता करना, यानी कि सहयोग करने के उपाय कि एक दूसरे से राष्ट्रों का सहयोग भी करना चाहिए और सूचनाएं जुटाने में ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एक परम भूमिका, अच्छी भूमिका का निर्वहन करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता शांतिपूर्ण समाधान के लिए, देखिए दो या दो से अधिक देशों के मध्य उपजे विवाद को, दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो विवाद उपजा रहता है, जो विवाद रहता है, उसको किस माध्यम से समाप्त किया, शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसी में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो उपजे विवाद को शांतिपूर्ण समाधान बातचीत हो सकता है और बातचीत के माध्यम से ऐसे विवादों को, यानी कि ऐसे विवादों को जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होगी, तो स्वाभाविक बात है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वर्ष में या 6 माह में एक दो बार इसकी बैठकें होंगी और जब बैठकें होंगी तो उन बैठकों में आपसी जो विवाद है, एक देश से दूसरे देश के मध्य जो विवाद है, उस विवाद को क्या किया जाएगा, बातचीत के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। तो पहला बिंदु क्लियर हो गया कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन परम आवश्यक है। अगला दूसरा बिंदु हम देखते हैं मिलकर कार्य करने के लिए चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक होते हैं जिनसे निपटने के लिए विभिन्न देश, यानी कि ये किसी भी चुनौतीपूर्ण समस्याओं के, जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कोरोना महामारी क्या है कि ये सभी राष्ट्रों के साथ है और सभी राष्ट्र मिलकर यदि कार्य करते हैं तो उम्मीद है कि इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए ये क्या है कि सभी राष्ट्र मिलकर उस चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफल बना सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं और सहयोग के माध्यम से उसको सफल बना सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि सहयोग करने के उपाय एवं सूचनाएं जुटाने में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियमों एवं नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों के विश्वास हो जाए कि आने वाली लागत में सभी समुचित हिस्सेदारी होगी, यानी कि कोई हिस्सेदारी, कोई आर्थिक मामला हो तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो संगठन होता है उसमें, जैसे हमने बताया था सार्क के उद्देश्य में, सार्क या दक्षेस के उद्देश्य में बताया था कि उसके सिद्धांत बताया था, उसमें बताया था कि कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो वो किससे लिया, सर्वसम्मत, जिनमें 8 राष्ट्र का मतदान हो, 8 राष्ट्र की बात रखी जाएगी। यदि 2 राष्ट्र 2 मुद्दे लेकर आते हैं, 2 राष्ट्र 2 मुद्दे 2 बात को करते हैं, एक और एक, मान लीजिए एक राष्ट्र कुछ बातें कर रहा है और एक राष्ट्र कुछ बातें कर रहा है, तो सार्क क्या कहता है कि इस मुद्दों को नहीं सुना जाएगा, ऐसे विवाद को नहीं सुना जाएगा। तो इस तरह से सहयोग करने के उपाय एवं आर्थिक विकास करने में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह से हमने इन बिंदुओं के बारे में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता शांतिपूर्ण समाधान के लिए, मिलकर कार्य करने के लिए, सहयोग करने के उपाय के लिए होता है।